हेलो जी, कैसे हो आप सब? तो अभी हो गया टाइम दोपहर का, 2 बज गए हैं। हम थोड़ी रेस्ट करने लगे हैं, खाना खा के अभी हो गए हैं फ्री। और बच्चे और उनके जो डैडी हैं वो दूसरे रूम में कुछ काम कर रहे हैं। बच्चे कार्टून देख रहे हैं और ये अपना कुछ काम कर रहे हैं, तो मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ। और हमने बनाया था आज दोपहर को आलू मटर की सब्जी और उसके साथ बनाई थी चटनी। तो आज मेरा कोई ब्लॉग नहीं है, मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं किया मैंने। और चटनी जो मैंने बनाई थी ना, उसकी थोड़ी सी रेसिपी जो है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं कांगड़ा में, हिमाचल कांगड़ा में बोलते हैं उसको, बुआड़े की चटनी। तो जो कांगड़ा के होंगे वो तो शायद जानते ही होंगे, लेकिन बाकी मुझे नहीं पता कि आप लोग जानते हो। अगर जानते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ना इसका हिंदी में क्या बोलते हैं या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मुझे इसका नाम नहीं मिला। मैंने कोशिश की थी कि आपको बताऊं, लेकिन हम बोलते हैं इसको बुआड़े की चटनी। तो ये एक पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर लगता है ये, तो उसकी बनाते हैं चटनी। इमली की तरह खट्टा होता है, बहुत खट्टा होता है। तो बस वही चटनी की वीडियो जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और कल हम शाम को कहीं गए हुए थे, तो उसका थोड़ा सा व्यू जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और आइए मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये देखिए, ये होते हैं ना वो चील के पेड़, उन पे लगते हैं ये। वो मैंने मसरूर टेम्पल वाली एक वीडियो डाली थी ना, तो हम गए थे उधर मसरूर टेम्पल, तो वहां से ये समीक्षा लेके आई है। समीक्षा को ना बहुत अच्छे लगते थे, मतलब उसने गाड़ी रोक कर ना स्पेशल अपने डैडी को बोला कि मुझे ये लेने हैं। अभी इसको उसने ना कलर करना है और फिर कलर करके रखने हैं उसने इसको सजा के। तो जब वो इसको कलर करेगी ना, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। और एक और भी है, ये देखिए, ये जो है ना एक और भी है, बहुत सुंदर लगते हैं जब इसको ना आप, ये देखिए पास से दिखाती हूँ आपको, इसको कलर करो ना तो बहुत प्यारे लगते हैं ये। ऐसे भी देखो, हाथ पे रखे हो कितने अच्छे लग रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा सा ना समीक्षा का और भी दिखाती हूँ कि समीक्षा ने क्या क्या बना के रखा है। अभी स्कूल हो गए थे ना इसके, बंद पेपर हो गए थे इसके, तो इसको है थोड़ा करती रहती है ऐसा। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी दिखाती हूँ कि उसने यूट्यूब पे देख देख के खुद, मतलब उसको बहुत है, वो यूट्यूब पे देखती रहती है। 5 मिनट क्राफ्ट होता है ना, वो भी देखती रहती है। तो उसने बनाए हुए बहुत सुंदर सुंदर सी थोड़ी सी पेंटिंग बनाई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो आपको भी मैं दिखाती हूँ। चलिए तो फिर मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये समीक्षा है ना, एक पेंटिंग ये बनाई हुई है, आप देखो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। बिल्कुल नॉर्मल सी है, लेकिन बहुत अच्छी बनाई है उसने ना, ये कागज की बनाई हुई है। और जो बैक्स कलर होते हैं ना स्कूल में बच्चे यूज करते हैं, वो वाले कलर। और ये देखिए जो उसकी बुक्स ना, जो मतलब पिछली क्लास की थी, उसके को बुक के पेज से बनाई है उसने ये तितलियां। रफ कागज जो होते हैं ना वेस्ट हो जाते हैं। और एक पेंटिंग उसने ये बनाई है, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है समीक्षा ने, मतलब मुझे बहुत सुंदर लगती है। और ये जो तितलियां बनाई है ना, ये भी बहुत सुंदर है। अगर मैंने बोला था इसको कि मैं कलरफुल जो कागज होते हैं ना वो लेके आऊंगी, उसको तो बनाऊंगी, बनाएगी वो। लेकिन अभी उसके स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो बंद कर दिया ये सब, पर जब उसके एग्जाम हो गए थे ना, तो उसने फ्री दिनों में ये बनाया हुआ था। ये देखिए दीवार पे ऐसे करके लगाई हुई है कितना। और ये देखिए समीक्षा और समर्थ के स्कूल की फोटो आप देख सकते हो, समर्थ फौजी बना हुआ है और समीक्षा ने वो गिद्दे में पार्टिसिपेट किया था। और ये है, हम लोग वैष्णो माता गए हुए थे तो ये वहां की है। और ये भी गए थे हम कहीं घूमने तो वहां की है। और एक पेंटिंग मैं आपको और दिखाती हूँ, एक पेंटिंग ये है, लेकिन ये थोड़ी ऊंची है ना, तो मैं नीचे से दिखा रही हूँ। ये देखिए थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए सिंपल कागज की बनाई हुई है उसने। लीजिए, तो ये है वो अंबाड़ा जिसको मैं बता रही थी कि जिसकी मैं चटनी बनाने वाली हूँ। तो ये है इसकी बनाने वाली हूँ मैं चटनी। तो इसमें मैंने डाल दिया एक मिक्सी के जार में अंबाड़ा, और उसमें डाल दिया मैंने प्याज की कलियाँ, थोड़ा सा पुदीना, पुदीना आप चाहे ज़्यादा भी डाल सकते हो, चटनी में पुदीना तो अच्छा ही लगता है। और ये हैं 3-4 हरी मिर्च जो मैंने इसमें डाल दी। और अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसका बना लूँगी पेस्ट।
बहुत अच्छी चटनी होती है ये ना, और बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसको पराठे के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, या फिर चपाती के साथ खाओ ना, बहुत टेस्टी लगती है। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, मतलब ये एक पेड़ होता है इसका, उस पर लगती है। तो किसी ने हमें दिया था तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये चटनी जो है ना वो शेयर करना तो बनता ही है। तो फिर मेरा जो पेस्ट बन के हो गया था ना तैयार, तो उसके लिए अब मैंने दही भी मिलाना था इसमें, तो मैंने ले लिया है थोड़ा सा दही, और दही में मैं डालूँगी चीनी, चीनी के साथ थोड़ा सा नमक भी डालूँगी टेस्ट के अनुसार, जितना हमें चाहिए उतना नमक डाल दूँगी, और इन दोनों चीज़ों को दही में अच्छी तरह मिला दूँगी मैं। इस तरह थोड़ा दही में जो मैं ना इन दोनों चीज़ों को मिला दूंगी, और फिर जब ये दोनों चीज़ें दही में मिल जाएंगी तो उसके बाद मैं अपना जो मैंने पेस्ट तैयार किया है ना उसको मिला दूंगी। बस सिंपल सी चटनी है ये, कोई ज़्यादा तामझाम वाला नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि हमारी यहाँ हिमाचल में कांगड़ा में जो है ना ये बनती है, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। सिंपल सी चटनी है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मैंने थोड़ी सी चीनी और मिला दी, क्योंकि ये जो होता है ना बहुत खट्टा होता है, तो मैंने मुझे लगा कि चीनी कम है, तो थोड़ी सी चीनी मैंने इसमें जो है ना वो और मिला दी। ये देखिए इस तरह दही में अच्छी तरह चीनी और नमक को मिला लूँगी, और ये जो मैंने पेस्ट रखा था ना बना के, इसको बस चीनी दही में जो है ना मिला देना है मैंने इस पेस्ट को, और चटनी हमारी बन के हो गई है तैयार। और थोड़े से हम इसमें जो सिंपल से हमारे सूखे मसाले हैं ना वो डालूँगी, और कुछ भी नहीं डालना है इसमें। अगर आप वो सूखे मसाले भी ना डालो, सिर्फ थोड़ा सा जीरा डाल दो तब भी टेस्टी हो जाती है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला भी डालूँगी, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मिला दिया जीरा पाउडर, और धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और हमारी चटनी बनके हो गई है तैयार। और बहुत टेस्टी चटनी है, आप इसको 2-3 दिन तक फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होती है। ये देखिए इस तरह हमारी सिंपल सी चटनी जो है ना वो बनके हो गई है तैयार। और ये थोड़ा सा व्यू दिखाने वाली हूँ मैं आपको बाहर का। शाम को हम लोग कहीं गए हुए थे ना, तो मास्क लगाना यहाँ पे ना बहुत ज़रूरी हो गया है। और ये देखिए बहुत प्यारा व्यू है, शाम का था ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। खड्ड के किनारे, खड्ड है यहाँ पे ना, तो वहाँ पे ग्राउंड बना हुआ है, बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, छुट्टी होती है ना तो बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, खेल रहे थे। थोड़ा दूर से शूट किया है तो दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग मार्केट जा रहे थे, ये शॉर्टकट रास्ता था तो हम उधर से जा रहे थे, और हमको आते वक्त हो गया था अंधेरा। तो मुझे ना ये चंद्रमा, जो शाम को चंद्रमा निकलता है ना, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था, मैंने वो भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है चंद्रमा, जब शाम ढलती हुई शाम होती है ना तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ना, और चढ़ता हुआ चंद्रमा निकलता हुआ तो बहुत प्यारा लग रहा था। तो प्लीज़ बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।